शिवांगी, आप देख रहे हैं द बोलती बन। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लाख रुकावट आने के बाद भी मिलता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। आज के समय में आपने दहेज के लालची तो बहुत देखे होंगे, जो अपने बेटे के शादी के नाम पर लड़की वालों से डील करते हैं। अगर डील में कोई कमी आई तो शादी तोड़ने की धमकी देते हैं, या फिर दहेज शादी से पहले ना मिलने पर दरवाजे पर आई बारात को वापस ले जाते हैं। लेकिन इस बुराई के बीच अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में लालच नहीं, इंसानियत बसती है। आपने विवाह मूवी का वो सीन तो देखा ही होगा जिसमें अमृता राव अपनी शादी के कुछ घंटे पहले अपनी छोटी बहन को बचाने में जल जाती हैं, लेकिन फिर भी शाहिद कपूर उनसे अस्पताल में तय समय पर शादी करते हैं। ये तो रियल लाइफ हो गई, अब रियल लाइफ की बात करते हैं। असल जिंदगी में भी यूपी के प्रयागराज से एक ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां दूल्हे ने ऐसी मिसाल पेश की है कि सोशल मीडिया पर उसकी तारीफों के पुल बांधे जाने लगे और तस्वीरें वायरल हो गईं। ये अवधेश हैं जिनकी शादी आरती से होने वाली थी। शादी की खुशी से घर में चहल पहल का माहौल था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि सन्नाटा पसर गया। दुल्हन आरती छत पर खेल रहे 3 साल के बच्चे को बचाने के चक्कर में स्लिप हुई और फिर नीचे गिर गई। छत से नीचे गिरने के वजह से दुल्हन की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और आनंद फानंद में उसके भाई उसे अस्पताल लेकर भागे। बता दें कि यह हादसा शादी के महज 8 घंटे पहले हुआ था। परिवार वालों ने दूल्हे अवधेश और उसके घर वालों को दुल्हन आरती की छोटी बहन से शादी का ऑफर दिया, लेकिन अवधेश ने ठान लिया कि आरती ही उसकी जीवन साथी बनेगी। तभी शख्स ने कहा कि वो इस हालत में भी आरती को अपनी पत्नी के रूप में तो अपनाएगा ही, बल्कि शादी भी उसी दिन तय वक्त पर करेगा। अवधेश ने कहा अगर उसे अस्पताल जाकर ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम के सहारे इलाज करा रही आरती की मांग भरनी पड़े तो वो ये करेगा, लेकिन शादी नहीं चलेगी। जिसके बाद अवधेश की जिद पर डॉक्टरों की टीम से परमिशन लेकर आरती को 2 घंटे बाद एम्बुलेंस से वापस घर लाया गया। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर शादी की रस्में पूरी की गई। आम दुल्हनों की तरह आरती की भी विदाई हुई। ये अलग बात है कि ससुराल जाने के बजाय वो वापस अस्पताल गई। अवधेश हर समय अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं। शादी के 1 हफ्ते बाद भी अवधेश एक पल के लिए भी अस्पताल से बाहर नहीं निकले। आरती को जल्द से जल्द ठीक होने का भरोसा दिला रहे हैं और दुनिया के सामने एक अच्छे पति होने के साथ एक अच्छा इंसान होने की भी मिसाल पेश कर रहे हैं। दुख की बात है कि आरती को अगले कई महीनों तक बिस्तर पर ही रहना होगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि उन्हें जीवन साथी के रूप में अवधेश जैसा पति मिला है। रियल लाइफ की स्टोरी को तो आपने बहुत पसंद किया होगा। इस सच्ची प्रेम कहानी के पसंद आने पर खबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर आप अवधेश की जगह होते तो क्या करते। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अवधेश बोलेगा। द बोलती बंद को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।